Hello students, today topic about foreign trade. Second slide, meaning, see, domestic trade means what? A trade which take place within the geographical boundary of a nation is called domestic trade. जो ट्रेड कंट्री के अंदर कंट्री की इनसाइड जो ट्रेडिंग होती है उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं. और इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स व्हाट या फॉरेन ट्रेड मीन्स अ ट्रेड विच टेक प्लेस आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड. जो ट्रेड कंट्री की बाहर जो होती है ट्रेडिंग उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. कंट्री टू कंट्री जो ट्रेडिंग होती है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. Next topic, factor affecting foreign trade. Number first, trade in many varieties of goods. Foreign trade में ऐसा है कि बहुत सारे variety of goods देखने मिलते हैं foreign trade में. क्यों? क्योंकि अलग countries, अलग states में connected होते हैं. हर एक countries या one country से दूसरे country productions जो factors है वो अलग होते हैं. products होते हैं वो अलग techniques के होते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो भी नीड्स है जो भी सिटीजन्स है जो भी पर्सन्स का जो नीड्स है वो पूरा हो जाता है अलग अलग वेराइटी ऑफ गुड्स से. और लाइफस्टाइल भी सबके अलग अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल हो सकते हैं तो उस हिसाब से गुड्स भी हमको मिलते हैं फॉरेन ट्रेड में. और नंबर सेकंड, मोर चैलेंजिंग इन नेचर. ये फॉरेन ट्रेड है जो वो नेचर में वो चैलेंजिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ फॉरेन ट्रेड में अलग लैंग्वेज होते हैं, अलग कल्चर्स होते हैं, अलग कस्टम्स होते हैं, हैबिट्स होती है. तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज हम दूसरी कंट्रीज़ के लैंग्वेज हम सीख सकते हैं या उनके कल्चर्स क्या है वो पता चल जाते हैं इस ट्रेड से. और दूसरे पीपल्स के कंट्री टू कंट्री में क्या वहाँ पे हैबिट्स है, क्या टेस्ट है, वो भी इससे हमको पता चल जाता है. तो अगर हमको फॉरेन ट्रेड करना है तो हमको पहले वहाँ का नेचर क्या है हर एक कंट्रीज का वो पहले जानना होगा, उसके बाद में वहाँ पर ट्रेड हम कर सकते हैं. नंबर थर्ड, नॉलेज रिगार्डिंग द डिफरेंट करेंसी. फॉरेन ट्रेड करने से पहले आपको करेंसी का नॉलेज होना चाहिए. हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसीज होती है तो हर एक कंट्री का जो करेंसी है आपको उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए. और जब अगर दूसरे आप इंटरनेशनल कंट्री पे आप कर रहे हो ट्रेडिंग तो आपका जो नेशनल करेंसी है वो आपको इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हो. और नंबर फोर्थ है वास्ट स्केल. वास्ट स्केल क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स क्यों वास्ट है? क्योंकि यहाँ पर अलग कंट्रीज़ है, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ गुड्स हमको देखने मिलती है यहाँ पे, अलग अलग रूल्स होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इसलिए इसको वास्ट स्केल बोला गया है फॉरेन ट्रेड को. और लास्ट है इन्वॉल्व्स मोर परमिशंस एंड टैक्सेस. इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा कि यहाँ पे ज़्यादा परमिशंस इन्वॉल्व होता है. अगर हमको फॉरेन ट्रेड करना है तो हमको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स हमको फॉलो करना होता है. टैक्स भी अलग अलग होती है, अलग हर कंट्रीज़ के अलग कंट्रीज़ का अलग अलग टैक्स सिस्टम्स होते हैं. तो वहाँ का टैक्स क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले. वहाँ का क्या क्या किस जो परमिशंस है वो भी आपको पता होना चाहिए. और हमेशा मेनली यही फॉरेन ट्रेड में अच्छी क्वालिटीज़ के गुड्स होने चाहिए. और वहाँ पे अलग अलग कस्टम्स का अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं और दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं. और इस तरह अलग परमिशंस, अलग टैक्स लगती है फॉरेन ट्रेड में क्योंकि यहाँ पे अलग कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज इसमें कनेक्टेड होता है. इसलिए ये था फैक्टर्स जो हमारे फॉरेन ट्रेड करने में इफेक्ट होती है. तो फॉरेन ट्रेड करने से पहले आपको ये सारे जो फैक्टर्स उसको ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद आप फॉरेन ट्रेड कर सकते हो. नेक्स्ट है डिफरेंस. डोमेस्टिक ट्रेड क्या है और फॉरेन ट्रेड क्या है उसका डिफरेंस है. नंबर फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्केल. स्केल्स पे बेस है. क्यों? क्योंकि यहाँ ये इंटरनेशनल ट्रेड है वो बड़ा है,
लार्जर है कंपेयर टू डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कम स्मॉल स्केल, क्योंकि वो सिर्फ कंट्री के इनसाइड होती है, पर जो फॉरेन ट्रेड है वो लार्ज स्केल इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे अलग कंट्रीज कनेक्टेड होती है, इसमें अलग वेराइटीज ऑफ गुड्स कनेक्टेड होती है, अलग प्रोसीजर्स होती है, इसलिए डोमेस्टिक स्केल वो स्मॉल स्केल होती है और फॉरेन ट्रेड है वो लार्ज स्केल है। ये था फर्स्ट डिफरेंस। नंबर सेकेंड डिफरेंस, बेस्ड ऑन करेंसी एंड द मोड ऑफ पेमेंट। डोमेस्टिक ट्रेड में ऐसा है कि करेंसी और मोड ऑफ पेमेंट में करेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है, कॉमन होती है, क्योंकि ये कंट्री एक डोमेस्टिक करेंसी सेम होती है कि एक कंट्री में ही दैट ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए वो कंट्री का करेंसी हर एक जगह पे, हर एक स्टेट हो कहीं पे वो सेम ही रहती है। और जो पेमेंट होती है वो आप अगर पास हो तो बाय कैश कर सकते हो, बाय ऑनलाइन कर सकते हो, जैसा मोड ऑफ पेमेंट आप करना चाहते हो कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड में ऐसा है कि करेंसी जो होती है वो अलग होती है। कैसे अलग? क्योंकि बाहर के जो कंट्रीज़ के जो करेंसी होती है वो अलग होती है, या तो वो डॉलर में होती है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन रुपीस में होती है, वहाँ डॉलर्स में होती है, तो आपको पहले आपका इंडियन जो करेंसी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, उसके बाद ही आप उसको वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पर करेंसी हो या पेमेंट हो, पेमेंट मोड सब इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट होती है। ये था नंबर सेकेंड पॉइंट। अब नंबर थर्ड है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी। हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो लैंग्वेज हो, कल्चर और सोसाइटी वो कॉमन ही रहता है, क्योंकि एक ही कंट्री है वहाँ पे कल्चर जो ऑलमोस्ट सेम होती है। पर इंटरनेशनल ट्रेड पे लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ की अलग डिफरेंट कल्चर्स होती है, वहाँ पे अलग सोसाइटीज होती है, अलग नेचर्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस है डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड में लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे। अब है फोर्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत लेस होता है कंपेयर टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होती है वो हाइयर होती है, क्योंकि ये कंट्री के आउटसाइड हम सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों हाइयर उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे हमको ड्यूटीज़ पे करना होता है, ड्यूटीज़ पे करना होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के इस्तेमाल, अगर ड्यूटीज टैक्सेस पे करने हैं तो उसके बारे में फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए डोमेस्टिक ट्रेड में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू फॉरेन से। अब है दूसरा, बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मतलब कि हमारे जो डोमेस्टिक ट्रेड में है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बहुत इजी है करने, क्योंकि हम हमारे जो भी कंज्यूमर्स है या जो भी कस्टमर्स है, हम उनके टेस्ट है, उनका प्रेफरेंस है, या उनका लेवल है, या उनकी एजुकेशन, वो हम अच्छे से जानते हैं। पर बाहर के फॉरेन ट्रेड में जानना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी कल्चर्स है या जो भी नेचर या टेस्ट है वो अलग होते, डिफरेंट होते, कॉमन नहीं होता। डोमेस्टिक में तो सिमिलर होती है, पर बाहर फॉरेन में जो भी प्रेफरेंस हो या सेल है, वैल्यू है, वो अलग होती है, और उसको समझना हमको, वहाँ के लोग वहाँ पे समझना हमको थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ का जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, और हमारा जो डोमेस्टिक जो ट्रेड है वहाँ का कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ईजिली हो जाता है। अब है लास्ट वन, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। इस पे डोमेस्टिक ट्रेड हो या फॉरेन ट्रेड हो, दोनों लीगल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। क्यों? डोमेस्टिक ट्रेड जहाँ है वहाँ पे रूल्स जो प्रोसीजर होती है वो नॉर्मल फॉर्मल टाइप बोल सकते हैं, ज़्यादा हाई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती है, डिफ़िकल्ट भी नहीं लगता होता है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए। डोमेस्टिक में ट्रेडिंग एक्टिविटी करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है उसका, पर अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे लीगल जो है, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सिस्टम्स है वो हाईली डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ का अलग कंट्रीज़ का अलग रूल्स या लीगल सिस्टम्स होती है, जिसको आपको समझना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है, वहाँ आपको अगर ट्रेड करना है तो पहले तो लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, परमिशंस लेने पड़ेंगे उस कंट्री का, वो कंट्री का भी, यहाँ का भी आपको परमिशंस लेने पड़ेंगे, उसके बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डोमेस्टिक ट्रेड में जो लीगल सिस्टम कम है कंपेयर टू फॉरेन ट्रेड में लीगल सिस्टम
सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले आपको वहाँ का सिस्टम्स, वहाँ का टैक्स, वहाँ का करने से पहले आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे लीगल सिस्टम जो है फॉरेन ट्रेड में थोड़ा स्ट्रिक्ट या डिफिकल्ट बोल सकते हैं।